महाराज कहने लगे, गुरु महाराज की बात बताता हूँ। तो महात्मा थे नगरी शाम में, तो वो लंगर बनाने की ड्यूटी होती थी उनकी, तो वो कल्पते रहते थे कि मैं तो लंगर बनाता रहता हूँ, ना मैं सत्संग सुन पाता हूँ और ना ही मैं दर्शन कर पाता हूँ गुरु महाराज जी के, मैं यहीं लगा रहता हूँ, सब लोग चले जाते हैं और फिर मैं रखवाली भी करना पड़ती है लंगर की, हाय हाय मुझे दर्शन नहीं होते, हाय मैं सत्संग नहीं छोड़ पाता। एक दिन ऐसे कल्प रहे थे तो गुरु महाराज जी पास में आ जाते हैं, की गल है की गल है, की सोचता पे, क्या बात है तू मेरे दर्शन करना चाहता है, ये बता मैं कहाँ नहीं हूँ, ये तू आग में फूंके मार मार के लकड़े जला रहा है, इसमें मैं नहीं हूँ, ये दाल और सब्जी को देख रहा है ऐसे ऐसे में, इसमें नहीं हूँ क्या, ये सारा कुछ जो बनेगा ये कौन खाएगा मेरे सिवा, मैं कहाँ नहीं हूँ, तू कहता मैं तुझे मिलता नहीं, ऐसे उसे कह के चल देते हैं। फिर जहाँ देखता है वो गुरु माँ का स्वरूप नज़र आता है, सभी जगह नज़र आता है। अगर हमारा गुरु महाराज से रिश्ता है तो गुरु महाराज की दुनिया से हमारा रिश्ता नहीं है क्या, बोलो फिर राग द्वेष ईर्ष्या वो रहेगा बीच में, मैं तू रहेगा बीच में, नहीं। क्षमा करना, मन कहीं और ही, तन संतन के संग, कोरी गजिया कैसे चढ़ेगा रंग, अरे भाई कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाना पड़ता है, पानते कपड़े से मान पान निकलेगी तब रंग चढ़ेगा, कुछ सफाई करना पड़ेगी हम, मैल अपने आप आती है तो धोने के लिए धोबी है और साबुन है, मैल अपने आप आती है, यही संभाल करनी है हमको, दिन रात मालिक की सेवा और सिमरन और सत्संग, इसको सदा अपनाए रखो। तो बात बता रहा था कि किताबें छपी, अभी मैं